सादर प्रणाम। आपके अपने चैनल इन्फोनी कॉर्नर में मैं नीरजा चौधरी फिर से एक बार आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज के वीडियो में जो हम रीजिंग शुरू की थी उसी को आगे बढ़ाते हैं। फिर से हम समझेंगे आज घड़ियों से संबंधित सवाल, यानी कि घड़ी से संबंधित सवाल अक्सर क्वेश्चन पेपर में आता ही है। महत्वपूर्ण पार्ट है ये, क्योंकि एक या दो प्रश्न घड़ियों से संबंधित इसमें मिल ही जाते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करें, जो घड़ी होती है उस घड़ी में टाइम दिया होता है 12 आवर्स के तरीके से, यानी कि 12 घंटे के हिसाब से उसमें समय दिया हुआ होता है। और घड़ी पे ये जो खाने बने हुए होते हैं इस तरीके से इसमें डिवाइड होते हैं, ये 12, 3, 6 और 9। तीन सुइयां होती हैं घड़ी में, जिन सुइयों की हम बात करेंगे उनमें एक होती है घंटे की सुई जो सबसे छोटी होती है, एक होती है मिनट की सुई जो उससे बड़ी होती है, और एक होती है सेकंड की सुई जो सबसे पतली और लंबी होती है। तो तीन सुइयां हैं, इन्हीं तीन सुइयों के से संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं कि जो ये घड़ी है टोटल यहां से लेके, मान लीजिए ये 1 है 2 है 4 5 7 8 10 और 11, ये क्या हुआ, पूरा 12 से लेकर मतलब पूरे 12 घंटे का टाइम इससे क्या होता है, शो होता है। ठीक है, अब 12 से लेकर जो ये 1 है इसके बीच का जो अगर मिनट की सुई के हिसाब से हम गैप कहें तो 5 खाने छोटे छोटे से इसके बीच में बने हुए होते हैं, और 1 2 3 4 5 यहां 5 आते ही पूरा 1-5 मिनट का जो टाइम है वो कंप्लीट हो जाता है। वही यहां पर होता है, 5 खाने 1 से 2 के बीच, 2 से 3 के बीच, और इस तरीके से टोटल यहां पर खाने डिवाइडेड होते हैं। अब जो ये छोटे छोटे खानों की बात करें, देखिए 12 मतलब यहां से यहां तक के बीच कितने खाने हैं, 5। ठीक है, और टोटल घड़ी पे ये टाइमिंग कितनी शो करता है, 12। तो टोटल ये खानों ये कितने हो जाएंगे, 12 5 60, यानी कि टोटल घड़ी पे ये छोटे छोटे जो खाने होते हैं वो कितने होते हैं, 60 खाने होते हैं, 60 सेक्शन होते हैं। और ये जो दो सेक्शन के बीच की दूरी होती है, ये दो सेक्शन के बीच की दूरी इंडिकेट करती है 1 मिनट को, यानी 1 मिनट को वहां पर इंडिकेट करती है। जो मिनट वाली सुई है 1 मिनट में एक ही मिनट की, यानी कि 1 खाना तय करती है, तो 1 खाना तय करने का मतलब 1 मिनट की वो दूरी यहां पर तय कर रही है। अब देखिए, बात जो प्रश्न हमने सभी ने फेस किए हैं क्वेश्चन पेपर में, कि जो ये एंगल होता है, जो मिनट की सुई यहां से यहां तक पहुंच रही है या यहां से यहां तक पहुंच रही है, तो कितना एंगल तय करती है। देखिए, एंगल कैसे तय करती है, हमने कहा टोटल खाने यहां पर कितने हो जाते हैं, यानी कि टोटल ये एंगल की बात करें तो यहां से अगर मिनट की सुई चलना शुरू करती है और पूरा यहां तक घूमती है तो टोटल कितने मिनट हो गए इसको, 360 डिग्री। ठीक है, तो 360 डिग्री का ये जो एंगल तय करती है, आप चाहे तो रफली इसे इसमें ऐसे डिवाइड कर लीजिए, कितने बन रहे हैं, 4 समकोण, 1 2 3 4, 90 90 90 90। तो 90 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया, 360 डिग्री, यानी कि पूरे 1 घंटे में ये कितना समय तय करती है, 360 डिग्री, समय कह रही हूं, 360 डिग्री का ये कोण तय करती है, एंगल बनाती है। अब अगर पूरे टाइम पर ये 360 डिग्री का कोण बनाती है तो 1 मिनट में ये कितना कोण बनाएगी, हम जानते हैं कितना बनाएगी, 360 और 1 घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसको इससे जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 6 डिग्री, यानी कि मिनट की सुई 1 मिनट में कितना कोण बनाती है, 6 डिग्री। अब बात करते हैं जो घंटे की सुई है, घंटे की सुई कितना कोण बनाती है। देखिए, जब सवाल हमसे इससे संबंधित पूछे जाते हैं ना, तो दो तरीके के क्वेश्चंस इसमें इंपॉर्टेंट आते हैं। एक क्वेश्चन वो आता है जो ये कहता है कि समय बताइए, ठीक है। दूसरा प्रश्न घड़ी से संबंधित ये आता है जो ये कहता है कि इनके बीच का कोण बताइए, ठीक। तो उनको जानने के लिए ये कुछ बेसिक्स हैं जिनका जानना ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना।
अब देखिए यहां पर क्या हुआ, 60 मिनट में कितना चल रही थी, 360 चल रही थी, तो एक मिनट में कितना चली, 6 डिग्री चली। ऐसे ही हम बात करें अगर घंटे की सुई की, तो घंटे की सुई भी क्या करेगी, 12 घंटे में कितना कोण बनाएगी, अरे 12 घंटे में कितना कोण बनाएगी, 360 ही तो बनाएगी, ठीक है, तो 12 घंटे में कितना कोण बना रही है, यहीं से चलेगी, यहीं घूम के यहां आ जाएगी, तो 360 डिग्री का ये कोण बनाएगी। बात करें एक घंटे में कितना बनाएगी, तो 360 बटे 12 यानी कितना, 30 डिग्री का। एक घंटे में कोण कितना बनेगा, यानी कि 12 से 1 के बीच आने की बात करें हम, तो कितने डिग्री का कोण बनेगा इसमें, 30 डिग्री का यहां पर ये कोण बनेगा, ठीक है। अब लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जो घंटे की सुई है वो घंटे की सुई एक मिनट में कितना कोण बनाएगी, ठीक, एक मिनट में कितना कोण बनाएगी, 30 डिग्री ये बना रही थी, 60 हो गया 1/2 डिग्री, यानी मिनट की सुई तो मिनट में, एक मिनट में कितना कोण बनाती है, 6 डिग्री का, और घंटे की सुई एक मिनट में कितना कोण बनाती है, घंटे की सुई एक मिनट में आधे डिग्री का, ठीक है, आधे डिग्री का ये कोण बनाती है, यानी कि इतना अपने स्थान से ये हिल जाती है। अब देखिए ये छोटा सी जो घंटे और मिनट की सुई का अगर हमें अंतर पता होगा, तो हम सपोज हमें कोई टाइमिंग यहाँ पर दी हुई है, हालांकि उससे संबंधित अलग अलग प्रश्न यहाँ पर करेंगे, लेकिन जनरल बात है अगर हमने यहाँ पर टाइम दी है कि 4:10 पर कितना यहाँ पर एंगल होगा दोनों सुइयों के बीच में, तो हम अगर ये जानते हैं 4:10 में कितना एंगल घूम गई वो हम निकाल लेंगे, क्योंकि यहां से यहां तक आई है, ठीक है, और एक मिनट में मिनट की सुई कितना बना रही है, 30 डिग्री, तो 10 मिनट में कितना बना, सॉरी 6 डिग्री, तो 10 मिनट में कितना बना लेगी, 60 डिग्री। अब बात करते हैं 10 मिनट में ये कितना एंगल घूम रही है, मिनट वाली सुई, घंटे वाली सुई, तो घंटे वाली सुई एक मिनट में आधा डिग्री घूम रही है, तो 10 मिनट में कितना घूमी, 5 डिग्री घूमी। तब हम क्या कर सकते हैं, इनके बीच का ये एंगल यहाँ पर निकाल सकते हैं, हालांकि सवाल आगे हम लेंगे, लेकिन एक रफली यहाँ पर बताया। अब बात करते हैं क्वेश्चन, अगर मान लीजिए कि हमने क्वेश्चन क्या ले, मान लीजिए हमने क्वेश्चन ले लिया कि जब मिनट की सुई, एक घंटा 30 मिनट की दूरी तय करती है, 30 मिनट की दूरी तय करती है, तो उनके बीच कितने अंश का कोण होगा, तय करती है तो उनके बीच कितने अंश का कोण होगा, कोण कितना होगा, ठीक है, ये प्रश्न है मान लिया हमने। देखिए हमने ये कहा कि एक, हमने प्रश्न में लिया है कि एक घंटा 30 मिनट की दूरी तय करने के बाद उनके बीच में कितना कोण होगा। जैसे अभी हमने यहां एक उदाहरण लिया रफली की, 4:10 के बीच उनके बीच में कितना कोण होगा, लेकिन यहां प्रश्न क्या किया है, एक घंटा 30 मिनट की दूरी तय करने पर। देखिए हम जानते हैं एक घंटा बराबर 60 मिनट, ठीक है, एक घंटा 30 मिनट बराबर कितना हो गया, एक घंटा 60 मिनट हो गया, प्लस हमने इसमें 30 मिनट जोड़ दिए, तो टोटल कितने हो गए, 90 मिनट, ठीक है, 90 मिनट ये हो गए। लेकिन एक मिनट में कितना चलती है, 6 डिग्री, तो 90 गुणा हमने क्या कर दिया, 6 कर दिया, तो ये कितना आ गया, 540 डिग्री, यानी कि एक घंटा 30 मिनट की दूरी तय करने पर उनके बीच में कितना कोण होगा, 540 डिग्री। क्वेश्चन में अगर हम ऐसे कर दें, मान लीजिए यही प्रश्न अगर हम ले लें, एक घंटा 10 मिनट का ले लिया मान लीजिए, ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, तो एक घंटा मतलब 60 मिनट, 10 मिनट ये हो गया, तो टोटल कितना हो गया, 70 मिनट, एक मिनट में चलती है 6 डिग्री, तो 70 में कितना चलेगी, तो कितना हो गया, 7/6, तो 420 डिग्री तब इनके बीच में कोण होगा, जब एक घंटा 10 मिनट का पूछा जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है कि कुछ ऐसे टर्म्स भी आते हैं, जैसे क्वेश्चन आजकल जो चेंज हुआ है उसमें पूछा जाता है कि जब घड़ियां एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं तो उनके बीच में कितना एंगल होता है, या जो घंटे की सुई है एक घंटे में कितनी बार मिलती है, इस तरीके का कुछ है जो सवाल पूछे जाते हैं, तो उन बेसिक टर्म्स को भी इसमें देख लेते हैं। देखिए जब ओवरलैप करेगी
ओवरलैप का मतलब हो गया वो एक दूसरे के, मान लीजिए ये सुई है और दूसरी सुई इसके ऊपर है, जब सुइयां एक दूसरे के ऊपर है तो उनके बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री का एंगल होगा, क्योंकि वो एक दूसरे को क्या कर रही है, ओवरलैप कर रही है। अब जो एक घंटे में घंटे की सुई कितनी बार मिलती है, तो एक घंटे में घंटे की सुई कितनी बार मिलेंगी, मतलब ये आपस में जो ओवरलैपिंग होती है, एक घंटे में सुइयों की ओवरलैपिंग की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अब घंटे की दो सुइयां तो है नहीं, घंटे और मिनट की सुई है, सेकंड की सुई से हमें कोई मतलब नहीं फिलहाल। तो एक घंटे में कितनी बार मिलती है, तो कितनी बार मिलती है, एक बार, ठीक। तो 24 घंटे में कितनी बार मिलेंगी ये, 22 बार। 12 घंटे में कितनी बार मिलेंगी ये, 11 बार। अब क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 12 घंटे में ये 12 ही बार मिलनी चाहिए, ये 11 बार क्यों मिल रही है। देखिए, जब आप घड़ी को देखेंगे, मान लीजिए ये घड़ी है, ठीक है, ये हो गया 12 और ये हो गई घड़ी, ये यहाँ टाइम हमने लिख दिया। देखिए 12 बजे जो घड़ी आपस में मिल रही है वो स्टैंडर्ड टाइम है, उसकी नहीं कहेंगे, लेकिन जैसे ही 12 से घड़ी सुई आगे चलना शुरू होती है, मिनट की सुई आगे चलती है और यहाँ तक पहुँचती है, तब तक ये 12 वाली सुई का, घंटे वाली सुई कहाँ आ जाती है, एक पर आ जाती है। तो इस दौरान इनके बीच में ओवरलैपिंग नहीं होती है, तो इसलिए वो एक घंटा यहाँ पर कम होता है। क्योंकि ये 12 घंटे के, मतलब 12 घंटे के हिसाब से मूव करती है, अगर 12 घंटे में एक घंटा ये कम हो गया यहाँ वाला 12 से 1 के बीच का, तो प्रश्न ये वाला भी ध्यान रखिएगा कि 12 से 1 के बीच का समय होता है जब घड़ियाँ आपस में ओवरलैप नहीं करती हैं। तो एक चक्कर में एक ये, दूसरा रेस्टिंग जो 12 आवर्स होंगे उनमें एक ये, तो कितने हुए 24 घंटे में वो 22 बार ओवरलैप करती है, और 12 घंटे में कितनी बार, 11 बार। अब बात करें कि एक विपरीत जो होती है, अपोजिट डायरेक्शन में, मान लीजिए यहां से यहां वाली डायरेक्शन, यानी जब सुइयों के बीच में कितना एंगल होगा, 180 डिग्री का एंगल होगा। अब बात करते हैं उसकी, तो कि एक घंटे में लिख लेते हैं यहां पर, एक घंटे में सुइयों के बीच में कब 180 डिग्री का कोण होगा। अब इस 180 डिग्री का कोण ना देकर वो ये भी लिख सकता है वहां पर कि एक घंटे में सुइयां कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होंगी, यानी कि मान लीजिए घंटे की सुई ये और मिनट की सुई ये, तो ये पूछ रहा है वो। अगर कोण की दृष्टि से कहे तो इनके बीच का इस समय एंगल कितना है, 180। तो एक घंटे में सुई कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होंगी, एक बार, ठीक है। 12 घंटे में कितनी बार विपरीत होगी, कितनी बार, 11 बार, और 24 घंटे में कितनी बार विपरीत होंगी, 22 बार। फिर से प्रश्न राइज हुआ कि कब एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगी, तो ये कब एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगी, 6 से 7 बजे का जो समय होता है तब ये एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगी, ये है टाइमिंग, ठीक। जब तक ये सुई यहां से आगे बढ़ेगी तब तक ये यहां आ जाएगी, घंटे वाली सुई कहां आ जाएगी, 7 पर आ जाएगी। तो जब तक ये 7 पर आएगी तो ये एक दूसरे के क्या होंगी, कहीं भी ऐसा एंगल नहीं बनता जो ये एक दूसरे के विपरीत हो। तो ये क्या होता है, एक घंटे में कितनी बार विपरीत होती है, एक बार, तो 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार। अब बचा यहां पर, हमने ओवरलैपिंग देख ली, अपोजिट देख लिया, और बचता है कि सुइयों के बीच में कब 90 डिग्री का कोण बनता है, यानी कि सुइयां कितनी बार समकोण बनाती हैं, या तो ये पूछ सकता है, या ये पूछ सकता है कि कितनी बार उनके बीच में एक घंटे में 90 डिग्री का कोण होता है। तो एक घंटे में सुइयों के बीच में 2 बार 90 डिग्री का कोण होता है, यानी कि 2 बार वो क्या बनाती हैं, समकोण बनाती हैं। उदाहरण देख लेते हैं, इधर ही देख लेते हैं, ये बनाई हुआ है, यहां आई सुई, ठीक है, ये टाइमिंग हो गई, ये क्या हुआ, यहां आई, फिर ये क्या आएगी, यहां आएगी, ठीक। तो एक घंटे में कितनी बार ये समकोण बनाएंगी एक दूसरे के विपरीत, 2 बार बनाएंगे। तो 12 घंटे में कितनी बार बन गई, अगर एक घंटे में 2 बार बनाए तो 12 घंटे में कितनी बार बन गया, 22 बार, और 24 घंटे में कितनी बार बन गया,
44 बार। ठीक है, फिर समय बच गया क्योंकि 12 में 22 बार क्यों हुआ, अगर दो बार बना रही है तो 24 बार होना चाहिए। ठीक है, कौन सा समय बचा, वो 3 से लेकर 4 बजे के बीच का 1 घंटा है और वो 9 से लेकर 10 बजे के बीच का 1 घंटा एक समकोण है जो कम बनता है। तो एक समकोण ये कम बना, एक समकोण इन दोनों टाइम के बीच में कम बना। तो 3 से 4 के बीच और 9 से 10 के बीच एक ही एक बार समकोण बनता है। तो यहां पर क्या होता है कि सुइयां क्या करती हैं, जो एक घंटे में कितनी बार जो समकोण बना रही थी, 2 बार, लेकिन 3 से 4 के बीच जो समकोण बनाती है 1 बार, और ऐसा ही 9 से 10 के बीच में वो समकोण बनाती है 1 बार। ठीक है, तो ये 2 घंटे यहां पर कम हो जाते हैं। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न, अगर सुइयों के बीच एंगल की बात करें तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहां पर। मान लीजिए क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि 2 से 3 के बीच, ये क्वेश्चन मान लेते हैं हम, क्या दिया हुआ है कि 2 से 3 के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे से मिलेंगी। कहने का मतलब कब वो एंगल उनके बीच में शून्य होगा। देखिए, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर मिलने की बात हम उनके कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं करना है, m इक्वल्स टू 60/11। ठीक है, अब 2 से 3 के बीच में दिया हुआ है, 60/11 याद रखना है, 2 से 3 के बीच दिया है, जो कम वाला समय दिया है, जैसे 2 और 3 के बीच में 2 कम समय है, तो उस कम समय से यहां पर क्या कर देना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है। ये कितना हो गया, 120/11। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1 सही 10/10 यहाँ के आ जाएगा 11। तो कौन सा समय, 2, तो ये कब मिलेंगी, 2:01:10 पर एक दूसरे से मिलेंगी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, एक और एग्जांपल देख ले, अगर हमें क्या दिया, हम 3 से 4 ले लेते हैं। चलिए, 3 से 4 के बीच सुइया कब मिलेंगी, ठीक है, कब मिलेंगी, समय बताना है कि कब मिलेंगी। देखिए, 3 से 4 के बीच दिया है, वही m इक्वल्स टू 60/11, समय कम वाला रखना है, जैसे 3 और 4 में कम समय क्या है, 3 वाला हमने समय रख दिया, 6 × 18, 180/ क्या हो गया यहां पर, ये 11। इसको इससे जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 16 सही 4/11। तो कब मिलेंगी, 3:16 सही 4/11 पर ये क्या होंगी, मिले, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। अब आप इसमें देखिए निकालें, अगर पूरा जो कैलकुलेट करेंगे तो पूरा हर किसी भी, जो भी 3 से 4 के बीच निकालें या 7 से 8 के बीच निकालें, जो भी समय निकालना है उससे हमारा क्या आ जाएगा, एंगल समय पता चल जाएगा, एग्जैक्ट दोनों कितने बजकर कितने मिनट पर मिलेंगे। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतनी बात करते हैं, अभी घड़ियों के सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, बहुत सारे प्रश्न हैं जो घड़ियों से संबंधित पूछे जाते हैं तो उसी को कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल आज इतना ही, लगातार साथ बने रहिएगा, अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे हम आपसे, तब तक के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। वीडियोस शेयर करते रहिए क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े हैं, इसीलिए हम इस YouTube के प्लेटफॉर्म पर हैं, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।